Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to do class 6 Maths chapter 2 whole numbers, exercise number 2.1, question number 8. I have explained you the rest of exercise in my previous video, and now I am going to explain you the question 8 of this exercise because it was left to explain. So this question says state true or false. ज्यादा नहीं है, इसमें हमें यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. सो लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट्स एंड टेल दोस आंसर्स. इट्स वेरी इजी, आई होप यू गोना एंजॉय दिस क्वेश्चन. सो इट्स फर्स्ट पार्ट सेज दैट जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. जीरो तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? वन से. अब जब वन से स्टार्टिंग हो रही है तो जीरो तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा कहां से? ये मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो ये तो होगा ही नहीं हमारा, तो इट मींस दिस इज फॉल्स बिकॉज जीरो कांट बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सेकेंड पार्ट सेज 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399. प्रीडिसेसर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एक नंबर कम करना, माइनस वन मीन्स एक नंबर कम हो जाना. तब ये कह रहे हैं कि 400 399 का प्रीडिसेसर है, मींस कि 400 399 का प्रीडिसेसर है, मींस 399 में से जब 1 माइनस करते हैं तो 400 मिलता है. नो, दैट इज टोटली रॉन्ग. जब हम 399 में से 1 माइनस करेंगे हमें 398 मिलेगा. ये बात कह सकते हैं कि 399 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 400. 399 प्रीडिसेसर है 400 का, क्योंकि 400 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 399 मिलेगा. So that means this statement is also false. Okay, let's see the C part. That says 0 is the smallest whole number. Yeah, that is correct. 0 smallest whole number hai. Kyunki whole number kahan se start hote hai? 0 se 1, 2. Ab jab 0 se start hote hai to sabse chota to 0 hi hoga na. That's why the C, the third statement is true. Let's see the fourth statement. That says 600 is the successor of 599. ये जो 600 है ना, 599 का successor है. Successor क्या होता है? Means किसी number में plus 1. Yes, 599 में 1 plus करके देख लो, आपको 600 मिल जाएगा. तो that means the statement is true. 600 is the successor of 599. Let's see the E part. All natural numbers are whole numbers. No. इसका मतलब है कि जितने भी natural number है ना, वो सभी whole number है. That is correct. It isn't wrong. क्योंकि natural number की starting 1 से होती है और फिर कभी आगे खत्म होती नहीं है, और whole number की starting 0 से होती है जिसमें 1 भी आता है फिर आगे चलती रहती है. सेम whole number में 0 extra है, natural number में जो नहीं है. तो it means कि जो natural number है वो सारे whole numbers में आ रहे हैं. तो that means all natural numbers are the whole numbers. That's why our fifth statement is also true. Let's see the sixth statement. That says all whole numbers are natural numbers. कि सारे whole number natural number होते हैं. No, that isn't correct. अब सारे whole number में तो zero भी आता है. अब ये जो zero है, ये तो natural number नहीं है ना. Zero तो natural number में नहीं आता. यहाँ पे कोई zero है ही नहीं. That's why all whole numbers are not the natural numbers. So our sixth statement is false. So let's see the seventh statement now. G part. That says the predecessor of a two-digit number is never a single-digit number. कि अब predecessor क्या होता है? पहले मुझे बताओ. Minus one. कि जब भी दो-digit number का predecessor निकालेंगे तो वो कभी भी एक single-digit number नहीं होगा. ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि अब आप सोच रहे हो क्यों गलत क्यों है? कोई भी two-digit number ले लो, 22 minus one, 21 two-digit है. 40 minus one, 39 two-digit है. किसी भी दो-digit का predecessor क्या होगा? उन्होंने क्या कहा है? कभी सिंगल डिजिट नहीं होगा. अगर हम देखें 10, 10 भी तो टू डिजिट है. इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 9, जो कि सिंगल डिजिट है. दैट्स व्हाई योर जी स्टेटमेंट इज फॉल्स. कि किसी भी टू डिजिट का जो हमारा प्रीडिसेसर है वो हमारा कभी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता. इट कैन बी. ओके, सो लेट्स कम टू द 8th पार्ट नाउ. दैट सेज 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अरे वन स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे हो सकता है जब उसकी स्टार्टिंग जीरो से हो रही है होल नंबर की? तो होल नंबर सबसे छोटा तो जीरो होगा ना, वन नहीं होगा. तो आर एट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. लेट्स सी द आई स्टेटमेंट. दैट सेज
Thus, natural number 1 has no predecessor. Natural number 1 जो है, natural number 1, इसका कोई predecessor नहीं है. Natural number है 1, माना हमने natural number है 1, लेकिन उसका predecessor तो है 1 में से 1 minus करेंगे, 0 तो मिलेगा हमें. जब 1 में से आप 1 minus करोगे, तो 0 तो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. 0 whole number है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि 1 natural number, जो कि natural number है, उसका कोई predecessor नहीं है क्या? है, उसका predecessor है. वो natural number है, लेकिन उसका predecessor whole number है. But it has a predecessor. That's why the statement is false. Sorry, this says na the natural number 1 has no predecessor. Yeah, इसकी कोई predecessor नहीं है. ये false है क्योंकि इसका predecessor है. Now J path says the whole number 1 has no predecessor. कि whole number 1 का कोई predecessor नहीं है. अरे whole number 1 हो या natural number हो, कोई सा भी number, उसका predecessor तो है ना. Whole number is a natural है, उसका predecessor है. तो ये भी हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि इट हैज इट्स प्रीडिसेसर. होल नंबर 1 हैज इट्स प्रीडिसेसर. नाउ द के पैथ सेज द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12. ये जो होल नंबर 13 है ना, ये 11 और 12 के बीच में आता है. 11 और 12 के बीच में कैसे आ जाएगा? 11 और 12 के बाद आता है. ये रहा 13, 11 और 12 के बाद ये बीच में कैसे आ जाएगा? दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मींस इट इज फॉल्स. Now the L part says us, look, there is some issue. Like if I read the I part again, I get some means issue. Like I part says that the natural number 1 has no predecessor. Natural number 1 ka koi predecessor nahi hai. Unhone ye kaha hai ki natural number 1 ka koi predecessor nahi hai. 1 ka to predecessor hota hai 0, lekin wo natural number to nahi hai na. Unhone kya kaha hai ki jo natural numbers chal rahe hai. अब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है ना. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो जब वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 से पहले तो कोई नंबर आ नहीं रहा, तो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. दैट मींस दैट यस, तो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. 1 का प्रीडिसेसर होता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता. तो इसको हम ट्रू में कंसिडर करेंगे. सो वी वर ऑन द एल पार्ट. एल पार्ट सेज द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर. ये जो होल नंबर 0 है, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. यस इट्स ट्रू, होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर है ही नहीं. इट इज ट्रू बिकॉज होल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका प्रीडिसेसर कैसे होगा? नाउ एम पार्ट सेज द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर. किसी भी टू डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा टू डिजिट ही होगा. मींस दो डिजिट का सक्सेसर, कोई भी दो डिजिट नंबर, उसका सक्सेसर मींस प्लस 1 करेंगे तो टू डिजिट ही आएगा. दैट्स टोटली रॉन्ग. अब आप देख लो, 1 टू डिजिट हमारा नंबर हो सकता है. आप कहोगे लाइक 89 प्लस करा, 89 में 1 तो 90 आया, ये तो टू डिजिट ही है. नहीं, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, 99 प्लस 1, टू डिजिट में 1 प्लस करा, सक्सेसर 100 आया. दैट इज अ थ्री डिजिट नंबर. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आई होप कि आपको ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इसमें कंफ्यूजन है, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू.